करनी होगी मैं करूंगा, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन। लेकिन जाहिर है क्योंकि ये अनअनाउंस मार्शल ला है, सारा मुल्क है वो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, इसकी ऐसा साफ शफाफ इलेक्शन। इमरान खान के दौर में क्या था? इमरान खान के दौर में क्या था? क्या था? ये हर दफा फजलुर रहमान जो है वो पूरा वो लेके आया अपना झटका, उसको कभी ने कुछ नहीं बोला। कौन सा प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पूरा झटका लेके आया, उसे किसी ने बोल नहीं। सबर कर लो, सबर कर लो, तहमुल से तहमुल से तहमुल से। ये ही बंदा आपका इसी के इसी बूट के तल्ले आया हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, ठीक है? क्योंकि आपको पता नहीं, हमने मुझे पता है आपको, आपको एक्चुअली पता है कि इमरान खान की 2018 में इन्होंने 26 सीटें कम की हैं। सब ने कुछ भी कम नहीं किया था, हमारा सीट बोल रहे हैं मरदान का, हम 4000 लीड। अगर सीधा अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते ना तो 26 सीटें सबर कर ले, सबर कर ले, कूल डाउन हो जाए। हम आपके झूठ नहीं, 4000 मुजाहिद से हम लीड पर थे, लीड पर, ठीक है? सारे दरवाजे बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया और एकदम जनाब आ गया कि जनाब वो तो 26,000 लीट पे चला गया, तो 4,000 लीट पे तो हम थे, 26,000 पे वो चला गया। खुदा के लिए लोगों को बेवकूफ मत बनाए, खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, खुदा के लिए झूठ मत बोले। 2018 का इलेक्शन में नहीं हुआ, ये हर इलेक्शन में हुआ है, तो क्यों इलेक्शन में जब वो जो है इलेक्शन में इस्लाहत हो रही थी तो क्यों आके इमरान खान के साथ नहीं बैठे थे? किसने कहा था कि जब वो कर रहा था हो रही थी, एक मिनट, जो भी इस्लाहत हो रही थी क्यों नहीं बैठे थे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप ये बताएं कि अभी जो इमरान खान ने इतनी ज्यादा इमदाद जमा किए पाकिस्तान में, उसकी कॉल के ऊपर लोगों ने पैसा दिया, इनको इस बात से भी नफरत है कि उसने गरीब लोगों के लिए इमदाद की जमा कर ली, उस पर भी मुखालिफ बातें कर रहे हैं बजाय उसके कि उसको दुआ दे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ओ पता नहीं वो है, वो झूठ बोल रहा है, वो है नहीं है, जब आएगी तो पता चलेगा। अबे भाई तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई नेकी का काम हो रहा है तो उसमें उसको दुआ दो बजाय थी कि उसमें मजीद। ये किस तरह की जय जहनीत है? 2 रुपए तो तुमने जमा करके नहीं दिए मुल्क में किसी ने, मसला ये है। 2 रुपए की बात नहीं है, 2 रुपए एक ही एजेंडा है इस वक्त, पहला और आखिरी। जो हालात मुल्क के हुए हैं उसको संभालने की अब जरूरत है, तो इसका एक ही रास्ता है, या तो आप सीधे सीधे एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट मुंह दर मुंह बात होके जी इसका फ्रेश एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, जो जीते उसका मुकद्दर वो हुकूमत करे, 5 साल तक चले। बिल्कुल, अभी बिल्कुल इस वक्त मुल्क के हालात क्या कह रहे हैं आपको? मुल्क के हालात कह रहे हैं आप 4,000 डॉलर पर डे के हिसाब से आप होटल्स में ठहरेंगे, 70 आदमी जाएंगे। किसने कहा था आपको कि आपको इस वक्त दौरा करें? आप 2 भी आदमी जा सकते थे, 3 भी जा सकते थे। पहली बात तो ये खजाने को सीधा सीधा दर्ज है, ठीक है? अच्छा, इस वक्त की जो जमहूरियत की आप अगर सोचें, हमारे यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, इट्स मतलब जिसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बिहाइंड द सीन जो चल रहा है वो मार्शल ला है, एस्टेब्लिशमेंट है। मुझे मैं आपको इसकी मिसाल दूं ना, मैं आपकी मिसाल दूं, मार्शल ला की मिसाल दूं। एक मिनट, आप दो बंदे पीटीआई, इमरान खान को पीटीआई के लिए जनरल बात कर रहे हैं, मेरा भाई जनरल है, जनरल बात है। मैं आपको इमरान खान को धोखा दे के रूस भेजा कि जाके रूस का दौरा करे, इमरान खान के खिलाफ देना, फिर जो है आके बाद में देना मुखालिफ बयान दिया कि हम जो रूस के खिलाफ है। मेरी बात सुनो, अभी जरा सबर कर लो, इसी का मैं जवाब आपको देता हूँ। ना रूस का दौरा इसका बहाना था, ना कुछ था, इनसे अपने लोग नाला थे, अपने लोग तंग थे और अभी भी तंग है। तुम्हें पता है पीटीआई में 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है, कोई 2 ग्रुप नहीं है, ये सब सुन लें, एक सेकंड सुन लें, इनके 2 ग्रुपों के नाम सुने, एक सेकंड, फैसल एक सेकंड, इनके ग्रुप के नाम सुन लें, प्लीज सुनाइए क्या क्या कह रहे हैं 2 ग्रुप। अच्छा जी सर बोलिए, जी बोलिए बोलिए सर जी। अभी हालात इस तरह हो गए हैं कि यही लोग जो मैं तुम्हें ग्रुप का कह रहा हूँ, यही ग्रुप अभी सामने
आ जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग मुहब वतन है, ठीक है, और बहुत से लोग जो है कुर्सी के लालच में है। जो मुहब वतन है चाहे आर्मी जिस तरह भी हो, जो भी करे, उसके साथ खड़ी हो जाती है, ठीक है, वो सामने आ जाएंगे। जो कुर्सी के लालच में हो कि इसी इमरान के कंधों पे हम बैठकर ऐवान तक पहुंच जाएंगे और यही हमें पहुंचा देगा, वो उसके साथ है, ठीक है। अभी जो नया गेम शुरू हो रहा है ना, ये जो जहांगीर तरीन पंजाब में भी दोबारा आ गया और एक्टिव हो गया, ठीक है, तो आप देख लेंगे ना कि वो खालिद महमूद पीपल्स पार्टी के वो जो उसकी पुरानी दुश्मनी थी वो सुलह हो गई, ठीक है, वो सुलह हो गई जी। तो उधर से अभी इमरान जो है ना, ये जो अभी बार बार प्रेशर करवा रहे हैं, प्रेशर कर जितना देर होगा, इसका जो हवा है ना, जो सिलेंडर में हवा होती है और आप उनको ओपन कर ले और हवा निकल जाती है, इसकी हवा अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। इसी का एक सेकंड जी जी, नहीं नहीं फैसल, एक सेकंड फैसल जी। सिटिंग एमपीए अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान के हक में शामिल भी हो गया, सिटिंग एमपीए, ठीक है ना, और सिर्फ ये नहीं है, 25 एमपीए जो है ना वो सिर्फ एनपी से ये श्योरिटी चाहती है उस पार्टी से कि आप हमें टिकट देंगे। मसला उसका क्या है, उधर मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और एनपी के जो कैंडिडेट थे वो चाहे अगर ये आ जाए तो वो जाएंगे, ठीक है। मसला ये पड़ा हुआ है कि अब ये लोग आ रहे हैं, इसके लिए जगह नहीं है, ये हकीकत है बीबी, ये आप लिख लें। जिस तरह इलेक्शन का अनाउंस होगा, आप देख लेंगे कि इस इमरान खान के बनीगाला के साथ कौन होगा जी, जिसकी तरफ इशारा होगा ना, एक मिनट सबर कर लेना यार, जिस तरफ ये मार्शाल्लाह है और ये है, तो यही मार्शाल्लाह तो आपको उठा कर लाई है, यही मार्शाल्लाह तो आपको ताज पहना कर लाई है, यही मार्शाल्लाह ने तो पाकिस्तान ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि यार ये प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, सिर्फ वो सिर्फ किस लिए? तो 22 साल की जद्दोजहद आपको इमरान खान की नहीं नजर आई क्या, जो आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि है ना, इसको तो यही लेकर आई है। मैं इधर भी मैं भी निपेक में हूँ, ये टोरंटो में हूँ, ये नंबर ले ले, मैं भी नंबर देता हूँ, अगर ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर दोबारा आ गया, ये जितना जुर्माना मांगेंगे मैं इनको दूंगा। सवाल ही पैदा कौन आएगा आपके ख्याल में, लल्लू जो है, ये लल्लू इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। देखिए लैंग्वेज, लफ्जों का चुनाव सही अदा करें, आप बोल सकते हैं कि जी नहीं आएगा इमरान खान किसी सूरत में, कह रहे ना कि ये इसको